हेलो फ्रेंड्स, आजकल वायरल फीवर बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है लोगों को। देखिए, उसके लिए मैं आपको एक आयुर्वेदिक नुस्खा बता रही हूँ। देखिए, ये है जिंजर पाउडर, जिसे आप अदरक भी कहते हैं, सौंठ, सूखी हुई अदरक, सौंठ का पाउडर है एक चम्मच। ठीक है, अब ये बराबर ये एक चम्मच है। दूसरी चीज, ये काली मिर्च पाउडर है, ठीक है, ब्लैक पेपर जिसे कहते हैं। और ये थर्ड नंबर का एक चम्मच हल्दी पाउडर, जिसे टर्मरिक भी कहते हैं। ये तीनों चीजें आपको एक एक चम्मच लेना है। क्या? सौंठ पाउडर, जिंजर पाउडर, और ये जो है काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर, और ये है टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर। ये तीनों आपको एक एक चम्मच लेना है बराबर मात्रा में, चाहे आप दो दो चम्मच का बनाए, एक एक चम्मच का बनाए। और फिर आप इसको एक गिलास वाटर में, पानी में बॉइल करने के लिए रख देंगे। फिर ये 5 मिनट इसको बॉईल करना आपको, अगर सब पाउडर फॉर्म में आपके पास है तो 5 मिनट बॉईल करके फिर आप छान के उसको रख ले, और फिर इसको थोड़ा 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 पीता रहे। ठंडा ठंडा गर्म कैसा भी, मतलब गुनगुना रहे तब से पीना शुरू करें, तो ठंडा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, उसको दोबारा गर्म ना करें, बस ठंडा ही पीते रहे उसको थोड़ा थोड़ा। देखिये, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इससे। तो देखिये, आगे अपन बॉईल करके मैं आपको बताती हूँ। देखिये, मैंने बॉईल करने के लिए रख दी है गैस पे। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत अच्छी चीज है। इसमें ना तो आपको पैरासिटामोल खाना पड़ेगी, ना ही आपको एंटीबायोटिक्स खाना पड़ेगी, ना ही विटामिन्स खाना पड़ेंगे साथ में। ये सब चीजों का काम करेगा तीनों चीजें। देखिए, अदरक और ये हल्दी और काली मिर्च। देखिए, काली मिर्च भी बहुत अच्छी है, कफनाशक होती है, सर्दी खांसी दूर करती है, और जो है हल्दी भी जो है आपके वायरस को डेट करती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, और एंटीबॉडीज बढ़ाती है बॉडी में, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ाती है। पेन हो रहा है तो पेन किलर का काम करती है। और काली मिर्च और सौंठ पाउडर, सौंठ पाउडर भी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है आपका, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, और भी बहुत सारी अदरक में चीजें होती हैं। देखिए, ये मैं अभी नहीं बता रही ज्यादा डिटेल में, तो आप ये सब मिलाकर बॉईल कर लीजिए, फिर देखिए इसको पीजिए आप थोड़ा थोड़ा सा। देखिए, मैं आपको बॉईल करके बताती हूँ। देखिए, इतनी बॉईल होना चाहिए, ये बॉईल हो चुकी है, अब मैं इसको छान लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये बन चुका है, मैंने इसको छान लिया है। ये देखिए, मैं इसमें गिलास में डाल रही हूँ। इसमें आप अखट्टा किसी भी लोटी वगैरह में रख सकते हैं, लेकिन आपको पीना इतना ही, इतना इतना ही पीना है, इसको ज्यादा नहीं पीना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, मतलब पाव कप जितना, 1/4 कप जितना ही आपको इसे पीना है। तो ये देख लीजिए, तो फ्रेंड्स ये पीजिए, और वायरल फीवर जो भी सीजनल फीवर चल रहा है उसे छुटकारा पाइए। देखिए, अगर आप बच्चों को पिलाना चाहते हैं तो इसमें आप शक्कर ऐड कर सकते हैं बॉईल करते टाइम। देखिए, कच्ची शक्कर नहीं पीते ज्यादा, वो और सर्दी करती है, तो आप बॉईल कर सकते हैं शक्कर को साथ में, तो ठीक है, थोड़ा सा मीठा लगेगा। नहीं तो इसमें काली मिर्ची का ज्यादा तिखास आती है, क्योंकि वो काली मिर्ची भी तीखी होती है, और जिंजर पाउडर जो है वो भी तीखा होता है, अदरक भी तीखी होती है, सौंठ। तो फ्रेंड्स ये पीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।